हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों, क्रू मूवी स्टारिंग तब्बू जी, करीना कपूर और कीर्ति सेनन। अब ये फिल्म कल रिलीज हो रही है। इसका एक गाना मैंने अभी देखा, चोली के पीछे क्या है, विच इज लिफ्टेड फ्रॉम 1993 सुभाष की फिल्म खलनायक, जिसमें संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित थे। वहां से ये गाना कॉपी किया है। जो खलनायक जब मैं देखने गया था मैटिनी शो में GD गैलेक्सी में, और वो गाना जब शुरू होता है ना, कुक 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 कुक, पब्लिक ने जो सीटियां, जो तालियां और जो स्क्रीन पे पैसे फेंके थे GD गैलेक्सी में, मतलब आप सोच नहीं सकते दोस्तों। सीटियां ही सीटियां, तालियां ही तालियां, और माधुरी दीक्षित ने जो डांस किया, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। लक्ष्मी प्यारेलाल का म्यूजिक था, सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था। कुक कुक कुक, क्या डांस किया, क्या झटके पे ऑडियंस ने पैसे फेंके स्क्रीन के ऊपर। इतनी सीटियां, इतनी तालियां हो जाए माधुरी दीक्षित के ऊपर। और जब संजय दत्त पैसे निकाल देना, पैसे से करते ना, अरे पब्लिक ने जो तालियां पैसे फेंके, मतलब उसका जवाब नहीं दोस्तों कुछ। तो सुपर डुपर हिट, और क्या काम डांस किया माधुरी दीक्षित ने। वही गाना कॉपी किया करीना कपूर ने, और करीना कपूर ने भी क्या खूबसूरती से वो गाना खराब किया है दोस्तों। इतना खराब किया है कि मतलब इसका भी कोई हिसाब नहीं। माधुरी ने जितना खूबसूरत किया था, उतना ही खराब, उतना ही बस्तुत डांस करीना कपूर ने किया। अब मैं क्या बोलूं दोस्तों, आप खुद देख लो। जिस तरह से डॉन बच्चन साहब की 1978 में आई थी, कल्याण जी आनंद जी शाह का म्यूजिक था, सुपर डुपर हिट। हेलन जी द ग्रेटेस्ट डांसर ऑफ ऑल टाइम, उनका एक गाना था बच्चन साहब के साथ, और वो गाना करीना कपूर ने शाहरुख खान के साथ जब डॉन की, उसमें वो गाना कॉपी किया, और शाहरुख खान ने भी गाना कॉपी किया खाई के पान मनरस वाला, जो बच्चन साहब ने किया था किशोर कुमार की आवाज में। सुपर डुपर हिट सॉन्ग, आज तक सबको याद है, आइकॉनिक सॉन्ग। तो वो गाना शाहरुख खान ने कॉपी किया था, और हेलन जी का गाना करीना कपूर ने कॉपी किया था, और दोनों ने भी एकदम बहुत एकदम सही तरीके से गाना खराब किया था, शाहरुख खान और करीना कपूर ने। दोनों ने बहुत बस एकदम घटिया डांस करके वो दोनों ओरिजिनल गाने की खटिया खड़ी कर दी थी। तो उसी तरह की खटिया खड़ी इस गाने में की है, चोली के पीछे क्या है। जिसने वो देखा था उस वक्त, उसको ही पता है, बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि सुभाष गया और श्रवण कुमार की फिल्म एक ही दिन रिलीज हुई थी, GT में खलनायक और गैलेक्सी में खलनायिका। सुभाष गया और श्रवण कुमार की टक्कर हमेशा होती रहती है, एक दूसरे की मतलब बैंड बजाती रहती है। श्रवण कुमार ने सनम विवाह शुरू की, तो उन्होंने सौदागर शुरू की, डायलॉग बाजी दो, देख लो आप। उस तरह उनका पंखा चलते रहता है। जब खलना गए तो खलना ही का भी आई थी, उन्होंने चोली के पीछे किया है, तो श्रवण कुमार एक कदम आगे चले गए। उन्होंने क्या, वर्षा उसका गोर, जितेंद्र और जयाप्रदा के बीच में गाना, होली का गाना शूट किया, आ चल के पीछे क्या है, आ चल के पीछे चोली, चोली के पीछे क्या है, धन तबाही है तबाही तबाही। इस वजह सॉन्ग खलनाई का वर्षा उस गांव ने किया था, खलनाई का बस अनु अग्रवाल जी, और चोली के पीछे क्या है तो सुपर डुपर हिट सॉन्ग। तो वो उधर से उनका वॉर हुआ था, उन्होंने तो अच्छा किया था, लेकिन ना मैंने क्या किया है, शर्म लग रही है मुझे, क्या वॉर इस डांस ओरिजिनल से काफी कोसों दूर है, मिलो दूर है। वो डांस जो माधुरी ने डांस किया था ना, पब्लिक वॉन्स मो चिल्ला रही थी, करीना कपूर कल डांस करेंगी जब पिक्चर रिलीज होगी, स्क्रीन पर डांस करेंगी चोली के पीछे क्या है, तो ऑडियंस चिल्लाएगी नो मोर, इसको डिलीट करो। तो क्रू कल रिलीज हो रही है, देखते क्या होता है, देखने की जरूरत नहीं, आपको पता है क्या होने वाला है। टिल देन की पहुंच मचाने बहुत मैटर्स, बस गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू गाइस।